Assam and Bihar have been hit by the worst floods in recorded history. Numerous districts have been affected. Lakhs of people have been affected. Lakhs of people have been rendered homeless. They're just out there stranded on the streets. Farmlands, crops, bridges, roads, everything is destroyed. The rivers in both these states are flowing way beyond danger level. जब से मैंने इंडियन मीडिया की लास्ट 2-3 हफ्तों की कवरेज देखी है ना यार, मैं जरा सहम सा गया हूँ, क्योंकि ये तो हमारी मार्केट खा जाएंगे यार। ऐसे जोक्स और ऐसे मजाक तो मैं कभी लिख ही नहीं सकता यार। जब से अमिताभ बच्चन को कोविड पॉजिटिव पाया गया, तब से ऐसा लग रहा है जैसे इंडियन मीडिया के सारी कंटिजेंट हिंदी हो या इंग्लिश अपना क्रू को भेज कर अपने कैमराज को उनके बेस्तर के इर्द गिर्द सेटअप करके हमें लाइव फीड देना चाहती है। उनको लगता है यही उनका जर्नलिज्म है, क्योंकि हम यही तो जानना चाहते हैं। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि कहीं में पबजी बैन हो जाएगा, आराध्या बच्चन अस्पताल में है, कोई कहता है कि टिकटॉक को बैन करने के लिए कुछ हो रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में फ्लड्स हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में गैंग रेप हुआ है 17 साल की एक लड़की का, और हम लोग यहाँ में इतने नाराज़ हैं, गुस्से हैं, हमको लगता है कि हम भी हिंदुस्तान का एक अंग है, लेकिन नेशनल मीडिया ने तो बदर ही नहीं किया हमारे ऊपर कुछ कवर करने के लिए। आप कवर करेंगे जब कोई मुख्यमंत्री एक स्टेटमेंट देगा, या फिर आप कवर करेंगे जब कहीं में कोई सॉफ्ट स्टोरी के लिए आप कवर करना चाहते हैं, या कोई मजाक के लिए आप कवर करना चाहते हैं, लेकिन जहां में क्राइम बढ़ रहा है, जहां में बाढ़ आई है, जहां में गैंग रेप हो रहा है, तो आप कवर नहीं करते। क्या हिंदुस्तान सिर्फ नई दिल्ली है? क्या हिंदुस्तान सिर्फ बेंगलोर है या मुंबई है? हम नॉर्थ ईस्ट के लोग क्या इंडिया के पार्ट नहीं है? अगर आपको लगता है कि हम नॉर्थ ईस्ट के लोग इंडिया के पार्ट नहीं है, तो आप खुला कह दीजिए कि हम नॉर्थ ईस्ट को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें हमारी दिलचस्पी, हमारी टीआरपी रेटिंग को नहीं बढ़ाता है। ये असम है, हमारा असम, हमारे देश का असम, देश में कई कोने में सहमा सा बाढ़ की मार झेलता हुआ हमारा असम। इस घर को देख रहे हैं आप, टूट जाएगी बुनियाद जो इसकी हिल चुकी है। इससे उम्मीद थी कोई इसे बचाने आएगा, बचाने तो तब आता कोई देखता जब, अभी तो फिलहाल कोई देख ले वही गनीमत है जनाब। कई घर घरौंदे इसी तरह डूब गए हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, बस बुनियादें नहीं टूटी हैं, कुछ जड़ से भी टूटे हैं, जैसे कि ये पेड़, देखिए ना मायूस सा गिरता हुआ पेड़। और घर थोड़े डूबे हैं, सिर्फ इंसाने भी टूटे हैं, जैसे इस महाशय को देखिए, इनका सब कुछ बह गया, घर परिवार घरौंदा, तो इन्होंने सोचा जान दे देंगे, कुछ सज्जन आए इतने बचाने, पर जो दिल से टूट चुका है यार, उसके मरने के विश्वास को कौन तोड़ सकता है। ये फिर से कूद गए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, इस तस्वीर को बयां करने दीजिए।